हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल अपना सपना में। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं उपस्थित हूँ आपके सपनों का लेके। दोस्तों, आज हम वही बात करेंगे, सपने में रोते हुए देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है हमारे आने वाले कल के लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बात करेंगे कि अगर आप इस YouTube चैनल अपना सपना में नए हैं तो हमारे चैनल अपना सपना को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले सपने का मतलब पता चल सके, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दोस्तों, सपने के विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि जो सपने हम रात को सोते समय देखते हैं वह हमारे भूत एवं भविष्यकाल की घटनाएं को दर्शाता है। रात को निद्रा अवस्था में देखे गए सपने शुभ एवं अशुभ दोनों ही संकेत देता है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र रात को देखे गए सपने को हमारे आने वाले भविष्य का खजाना भी मानते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है कि आप जो सपने देखते हैं वो किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। वो चाहे रात को सोने के बाद देखे गए सपने हो या वो दिन में देखे गए सपने जो हम अपने भविष्य के लिए पूरा करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से सपने पूरे होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो दोस्तों, सपने में खुद को रोते हुए देखना भी एक ऐसा ही सपना माना गया है। कहा जाता है कि इससे आपको जिंदगी में मान सम्मान की वृद्धि होगी और आपको आने वाले समय में समाज में खुशियां प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, सपने में खुद को रोते हुए देखना एक बहुत अच्छा, एक बेहद अच्छा सपना माना गया है, शुभ सपना माना गया है। अभी के लिए बस इतना है दोस्तों। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।